guys and welcome back to my channel. Today I'm back with a video where I'm going to be sharing how to do pani puri and masala puri at home itself guys. मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के मुंह पे अभी पानी आ रहे हो बोलने से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गोलगप्पे और पानी पूरी मसाला पूरी के लवर्स है. तो मैंने सोचा कि उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली ट्राई दैट एट होम. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर वो भी कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते जाएगा. लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस, बिकॉज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस. चलिए लेट्स गेट इन द वीडियो. चलिए गाइस, आज हम लोग पानी पूरी एंड मसाला पूरी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है आप लोगों को दिखा देती हूं एक बार. ये देखिए, 2 कप पूरा रवा लिया है, 1 बाउल आटा, 1 बाउल मैदा, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार एंड 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड यहाँ पर हॉट वाटर. चलिए हम लोग मिक्स कर देते हैं इसको. चलिए गाइस, अभी मैं रवा ऐड कर रही हूँ. आटा, मैदा, बेकिंग सोडा, खाने वाला है वो, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, अभी इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए गाइस. ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए. अभी थोड़ा थोड़ा डालकर आप लोगों को गर्म पानी मिक्स करके आप लोगों को एक डफ बनाना है. अच्छे से आप लोगों को मिक्स करना है. ये देखिए गाइस, परफेक्टली हमारा डव बन गया. अभी हम लोग इसको 30 मिनट्स के लिए एक साइड पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है. चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, क्योंकि हम लोग इसका मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए. और यहाँ पर पीस, ये भी बॉइल्ड है, जीरा, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट, चॉप चिलीज एंड चॉप ऑनियंस. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई रेड चिलीज भी लिया है, थोड़ा सा करी लीव्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड किया है. तो चलिए हम लोग प्रोसेस के लिए चलते हैं. देखिए गाइस, मैंने पैन ऑलरेडी गर्म कर दिया है और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया. 3 स्पून मैंने ऐड किए. अभी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे. अच्छी तरह से गर्म हो गए तेल. अभी हम लोग इसमें जीरा ऐड करेंगे और ड्राई रेड चिली. इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मिक्स कर दीजिए. अभी हम लोग इसमें चॉप्ड ऑनियंस भी ऐड कर रहे हैं. इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए. अभी हम लोग ग्रीन चिली, ये देखिए, सब कुछ मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ. इसको थोड़ा सा आप लोग भूनने के लिए रख दीजिए. ये देखिए गाइस, थोड़ा सा इसका कच्चापन चला गया है. अभी हम लोग इसी टाइम पर 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं. इसको भी मिक्स कर दीजिए. थोड़ा सा करी लीव्स, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए. ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से हमारा मसाला गूंज गया है. अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट के लिए हम लोग अभी मसालाज ऐड करेंगे. तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर,
2 टेबलस्पून चिली पाउडर एंड 3 टेबलस्पून गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस, आपको अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए परफेक्ट कलर आ गया इसमें। अब ये देखिए गाइस, अच्छी तरह से हमारा मसाला गूंज गया है। अभी हम लोग इसी टाइम पर हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अब आपके टेस्ट के अनुसार ही आप लोग डालना है। एंड जो बॉइल्ड पीस है वो भी ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिए। अभी हम लोग इसमें मैश पोटैटोज ऐड करेंगे गाइस। मैंने यहाँ पर बॉईल किया था, उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया था। अभी हम लोग इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे एंड इसको भी अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप लोगों को 15 मिनट्स तक इसको कुक करना है। ये गाइस परफेक्टली बन गया है। अभी हम लोग इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 स्पून है ये, एंड थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे ऊपर से। इसको भी अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस, फाइनली हमारा मसाला बन गया है, जो पानी पूरी का मसाला है। अभी हम लोग पानी पूरी का पानी बनाएंगे गाइस। तो हम लोग इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम लोग अच्छी तरह से एक बार ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए गाइस, बहुत ही परफेक्टली ये देखिए ग्राइंड हो गया है। अभी हम लोग इसको पानी में ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से इसको ऐड कर दिया, मिक्स भी कर दिया। अभी हम लोग इसमें टैमरिन जूस ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को कितना चाहिए आप लोग उतने ही ऐड करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो खट्टापन ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। एंड हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के अनुसार आप लोग सॉल्ट ऐड करना। इसको भी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए गाइस, हमारा पानी परफेक्टली तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस, बहुत ही परफेक्टली हमारा डव बन गया हाफ एन आवर के बाद। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा का पाउडर भी लिया है। तो हम लोग अभी इसको बेलेंगे। ये देखिए, जो हम लोग चपाती के बनाते उसी में हम लोग बेल रहे हैं। अभी हम लोग इसको बेलेंगे गाइस। ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अभी मैंने एक ढक्कन लिया है थोड़ा राउंड शेप के लिए। कोई भी शेप का बॉटल ले सकते हो, उसका ढक्कन यूज़ करके आप लोग ऐसे शेप देख सकते हो। ये देखिए गाइस, परफेक्टली एक राउंड शेप आ गया है। अभी हम लोग इसको तलेंगे। ये देखिए गाइस, ऑलरेडी अच्छी तरह से गर्म हो गया है।
अभी हम लोग इसमें एक एक करके डालेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बन गया है। आप लोगों को ऐसे बोथ द साइड्स आप लोगों को अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। ये देखिए गाइस बहुत ही परफेक्टली बन गया है। अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं। गाइस परफेक्टली हमारा पूरी बन गया, बहुत ही ज़्यादा फुला फुला जैसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप लोगों के सामने तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्टली बन गया है। अभी हम लोग इसको कैसे डेकोरेट करते हैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा सजा दी है इसको, मैंने थोड़ा सा फुल्की को तोड़ा है ये देखिए, सो दैट मैं अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या क्या मैं अंदर उसके ऐड कर रही हूँ। इसलिए ये देखिए परफेक्टली बन गया है। अभी हम लोग इसमें जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है वो हम लोग ऐड करेंगे गाइस। सब में आप लोगों को ऐसे ही मिक्स करना है। ये देखिए गाइस मैंने इसमें सब कुछ मसाला ऐड कर दिए। अभी चॉप्ड ऑनियंस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए पूरा फिल कर दिया। अभी टोमेटोज थोड़ा चॉप किया हुआ वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर रहे हैं गाइस। अभी हम लोग इसमें सेव ऐड करेंगे। गाइस आप लोगों को ये कैसे करना है अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं लिंक दे दूंगी। ऑलरेडी मैं इसका भी वीडियो बना दिया है, होममेड है ये। ये देखिए गाइस परफेक्ट पानी पूरी बन गई। ये देखिए मुझे मालूम है कि आप लोगों के मुंह पे पानी आ रहा है, मेरे खुद का ही आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ठीक है गाइस। अभी हम लोग मसाला पूरी बनाएंगे गाइस। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा पूरी लिया है, अभी इसको क्रश कर देंगे। ये देखिए गाइस मैं अच्छी तरह से क्रश कर दिया है। अभी हम लोग इसमें मसालाज ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे। थोड़ा सा चॉप्ड टोमेटोस। चॉप्ड ऑनियंस। जो सेव हमने बनाया था होममेड वो हम लोग ऐड करेंगे। एंड लास्ट में कोरिएंडर लीव्स का थोड़ा सा मैश किया हुआ वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए गाइस परफेक्ट मसाला पूरी बन गया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी। ये देखिए गाइस परफेक्ट पानी पूरी एंड मसाला पूरी बन गया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है गाइस, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस, चटपटा है। शायद आप लोग ये खाने से ना बाहर का टेस्ट भूल जाओगे शायद। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है गाइस, तो ज़रूर ट्राई करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो भी कर दीजिए, बेल बटन को भी क्लिक करिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते जाएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस, बिकॉज अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बहुत सारे चीज़ ऐसे ही मिस करने वाले हो।
तो इसलिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।